Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Satqain Education Services. Assalamu alaikum, my dear students of class 3. How are you all? I hope you all are fine and doing well by the grace of Allah. I am your English teacher. So today we are going to start our new chapter. So first of all, take out your English text, Oxford Reading Circle Book 3. So this is your English text, Oxford Reading Circle Book. So now open page number 100 of your book. So in our today's class, we are going to start our new chapter. तो बेटा अपनी आज की क्लास में हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 14 पोस्ट बॉक्स नंबर सो हमारे चैप्टर का नेम है पोस्ट बॉक्स नंबर सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी तो स्टूडेंट्स अपने इस चैप्टर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं सो आर यू रेडी सो लेट्स गेट स्टार्टेड Mr. Broadman was a tall man. Mr. Broadman एक लंबे आदमी थे. Tall means लंबा. He was also very fat. So his name was a good one for someone of his shape and size. और वो बहुत मोटे भी थे. तो उनका नेम उनके शेप और उनके साइज के हिसाब से बिल्कुल सही था. Means उनका नेम था मिस्टर ब्रॉडमैन ब्रॉड मीन्स लंबा चौड़ा तो वो बहुत लंबे चौड़े थे तो उनका नेम मिस्टर ब्रॉडमैन उनके लिए बिल्कुल ही सही था बिल्कुल अच्छा सा नेम था उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक नेम था मिस्टर ब्रॉडमैन वॉज द हेड मास्टर ऑफ सेंट जॉर्ज स्कूल मिस्टर ब्रॉडमैन सेंट जॉर्ज स्कूल के हेड मास्टर थे Saint George's school was not very big. Saint George's school बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था. Next door to it there was a church called Saint George's Church. और इसके बराबर में एक चर्च था. बेटा चर्च हम उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर क्रिश्चियंस इबादत करते हैं. Means क्रिश्चियंस की इबादत गाह को चर्च बोलते हैं. तो सेंट जॉर्ज स्कूल के बराबर में एक चर्च था जिसका नाम था सेंट जॉर्ज चर्च ऑन द अदर साइड ऑफ द स्कूल देयर वॉज अ बेकरी और स्कूल के दूसरी तरफ एक बेकरी थी दैट वॉज कॉल्ड एस जॉर्ज बेकरी बिकॉज द ऑनर वॉज अ मैन कॉल्ड एस जॉर्ज एंड उस बेकरी का नेम एस जॉर्ज बेकरी इसलिए था क्योंकि जो उस बेकरी के ऑनर थे उनका नेम था एस जॉर्ज तो उन्हीं के नाम पे उस बेकरी का भी नाम था एस जॉर्ज बेकरी तो अब यहाँ पे तीन जगहें हो गई नंबर वन इज सेंट जॉर्ज स्कूल सेकंड इज सेंट जॉर्ज चर्च एंड द थर्ड वन इज एस जॉर्ज बेकरी और इन तीनों जगहों के नाम जॉर्ज हैं बट दैट वॉज नॉट ऑल लेकिन यहीं पे बस नहीं होता है सिर्फ इतना ही नहीं था ऑन द सेम रोड सेंट जॉर्ज क्रिसेंट और उसी सेम रोड पे जिसका नेम था सेंट जॉर्ज क्रिसेंट क्रिसेंट बेटा हम उस रोड को बोलते हैं या फिर उस स्ट्रीट को बोलते हैं जो कि थोड़ी राउंड शेप में होती है जो थोड़ी सी घूमी हुई होती है There was a beauty parlor at the corner called Georgina's Salon. रोड के कॉर्नर पे एक ब्यूटी पार्लर था जिसका नेम था Georgina's Salon. A short way from there was a cycle repair shop called George's Repairs. और उस वहीं से कुछ फासले पर एक साइकिल रिपेयर की शॉप थी जहाँ पे साइकिल्स वगैरह रिपेयर की जाती थी और उस शॉप का नेम था जॉर्जीज रिपेयर्स सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमें बताया गया है कि इतनी सारी जगहें थी जिन सब प्लेसेस के नेम्स में जॉर्ज आ रहा था
तो इन सब के नेम्स काफ़ी मिलते जुलते थे क्योंकि इन सब के नेम्स में जॉर्ज आ रहा था। नाउ कम टू द पेज नंबर 102। सो दैट वॉज मिस्टर ब्रॉडमैन्स प्रॉब्लम। देयर वर टू मैनी जॉर्जेस इन दिस पार्ट ऑफ टाउन। सो मिस्टर ब्रॉडमैन का यही प्रॉब्लम था, उनका यही मसला था कि शहर के इस हिस्से में बहुत सारे जॉर्ज थे, ऐसी बहुत सारी जगहें थीं जिनके नेम्स में जॉर्ज आ रहा था। मिस्टर ब्रॉडमैन वॉज फैड अप। मिस्टर ब्रॉडमैन तंग आ गए थे, वो थक गए थे। फैड अप मीन्स तंग आ जाना। ऑन मंडे ही रिसीव्ड मेल फॉर द बेकरी। मंडे को उन्हें एक मेल रिसीव होती है जो कि बेकरी के लिए थी। ऑन ट्यूसडे ही रिसीव्ड अ पार्सल ऑफ इनर ट्यूब्स फॉर साइकिल्स। और ट्यूसडे को वो एक पार्सल रिसीव करते हैं जिसमें जो साइकिल्स की इनर ट्यूब्स होती हैं वो उन्हें मिलती हैं। ऑन वेनसडे ही एक्सप्लेन टू एन एल्डरली लेडी दैट ही डिड नॉट कट और वॉश हेयर। और वेनसडे को वो एक बूढ़ी खातून को समझाते हैं कि ना ही वो हेयर कट करते हैं और ना ही वो हेयर वॉश करते हैं। तो बेसिकली जो बूढ़ी खातून होती हैं वो मिस्टर ब्रॉडमैन के पास ये समझ के आ जाती हैं कि इनका ये सैलून है और वो उनके पीछे ही पड़ जाती हैं कि उनके हेयर वॉश किए जाएं और कट किए जाएं। ही आस्क द प्योन टू रिमूव हर फ्रॉम द स्कूल कॉरिडोर। और मजबूरन तंग आके मिस्टर ब्रॉडमैन को अपने प्योन को बुला के उन्हें स्कूल से निकलवाना पड़ता है। ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे देयर वॉज नो मेल डिलीवर्ड एट ऑल। और थर्सडे और फ्राइडे को उन तक कोई भी मेल डिलीवर नहीं होती, उन तक कोई भी मेल पहुंचाई नहीं जाती। एंड देन एट मिड डे। और फिर क्या होता है, दिन के बिल्कुल दरमियान में मिस्टर एस जॉर्ज द बेकर ब्रॉट हिम अ पार्सल कंटेनिंग द एनुअल एग्जामिनेशन पेपर। तो फिर क्या होता है कि जो मिस्टर एस जॉर्ज होते हैं, जो कि बेसिकली बेकर हैं जिनकी बेकरी है, उन तक एक पार्सल लेकर आते हैं और उस पार्सल में एनुअल एग्जामिनेशन पेपर्स होते हैं। हाउ डिड यू गेट दिस, आस्क्ड मिस्टर ब्रॉडमैन क्रॉसली। आपको ये कैसे मिले, मिस्टर ब्रॉडमैन बहुत ही गुस्से से पूछते हैं। इट वॉज डिलीवर्ड टू मी बाय द पोस्टमैन यस्टरडे, रिप्लाइड मिस्टर एस जॉर्ज। मिस्टर एस जॉर्ज जवाब देते हैं कि ये मुझ तक कल एक पोस्टमैन ने पहुंचाए हैं। मिस्टर ब्रॉडमैन ग्राउल्ड एंड वेंट इनटू हिज ऑफिस। मिस्टर ब्रॉडमैन बहुत ही गुस्से से घुर्राते हैं, मतलब गुस्से की आवाज़ निकालते हैं और अपने ऑफिस में चले जाते हैं। ऑन सैटरडे मिस्टर ब्रॉडमैन वॉज नॉट वेल, सो ही डिड नॉट कम टू स्कूल। और सैटरडे को मिस्टर ब्रॉडमैन जो हैं वो सही नहीं होते, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो वो स्कूल नहीं आते। ही केम टू हिज ऑफिस फॉर एन आवर ऑन संडे। और वो संडे के दिन एक घंटे के लिए अपने ऑफिस आते हैं। आउटसाइड ही फाउंड अ लार्ज बंच ऑफ फ्लावर्स विद अ मैसेज दैट सेड। और जब वो संडे के दिन एक घंटे के लिए अपने ऑफिस आते हैं तो उन्हें फ्लावर्स का एक लार्ज बंच मिलता है जिसमें एक मैसेज होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द पेज नंबर 103। और मैसेज में क्या होता है, डियर फादर थैंक यू फॉर कंडक्टिंग आवर वेडिंग लास्ट वीक, बेस्ट विचेस मिसेस एंड मिस्टर ट्रिप। और उस मैसेज में लिखा होता है कि डियर फादर, फादर बेटा किसे बोलते हैं, वैसे तो फादर हम अपने अब्बू के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जिस फादर की बात हो रही है तो वो उन फादर की बात हो रही है जो कि चर्च में मौजूद होते हैं, जो कि वेडिंग वगैरह कंडक्ट करते हैं, जो कि चर्च का ख्याल रखते हैं, तो उन्हें भी फादर कहा जाता है। सो जो ये बेसिकली मैसेज था और जो फ्लावर्स थे वो मिसेस एंड मिस्टर ट्रिप ने जो चर्च के फादर थे उनके लिए भेजे थे, लेकिन क्योंकि उसका नेम भी जॉर्ज से था तो वो गलती से मिस्टर ब्रॉडमैन के पास डिलीवर हो गए। मिस्टर ब्रॉडमैन हेल्ड हिज हैंड इन हिज हैंड्स एंड ग्रोन्ड। मिस्टर ब्रॉडमैन अपना हाथ अपने सर पर रख लेते हैं, मींस अपना सर पकड़ लेते हैं।
और ऐसी आवाज़ निकालते हैं जैसे कि कहराते हैं, मीन्स वो गमज़दा आवाज़ निकालते हैं। इट इज़ टाइम टू गेट अ पोस्ट बॉक्स नंबर, ही सेड टू हिमसेल्फ। वो अपने आप से बोलते हैं कि अब वक्त आ गया है कि मैं पोस्ट बॉक्स नंबर ले लूँ। पोस्ट बॉक्स नंबर क्या होता है? ऐसा होता है कि आपका कोई नाम हो या आपका कोई घर का एड्रेस हो तो लोग आपके घर के एड्रेस पे आपके नाम के साथ आपको लेटर लिखते हैं, मीन्स ख़त लिखते हैं। या आपकी कोई शॉप हो या आपका कोई इंस्टीट्यूट हो, इदारा हो, तो उनके नाम के साथ ख़त लिखा जाता है और पोस्टमैन उसके हिसाब से ख़त डिलीवर कर देता है। लेकिन कुछ लोग पोस्ट ऑफिस जाकर उनसे एक नंबर अलॉट करवा लेते हैं कि अब जो हमारे ख़त लिखने वाले होंगे वो अब हमें इस नंबर पर ख़त लिख देंगे। जब आप ये नंबर एनवेलप पर देखें तो आप समझ जाएं कि ये ख़त हम तक पहुंचाना है। तो इसलिए जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इतने सारे जॉब्स होने की वजह से जो कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी, उससे सॉल्व करने के लिए, उन तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो मिस्टर ब्रॉडमैन होते हैं वो सोचते हैं कि इन तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अब मुझे पोस्ट बॉक्स नंबर ले लेना चाहिए। द फॉलोइंग वीक मिस्टर ब्रॉडमैन रोड टू द पोस्ट मास्टर। और उसी वीक, उसी हफ्ते मिस्टर ब्रॉडमैन जो है वो एक ख़त लिखते हैं पोस्ट मास्टर को। बेटा पोस्ट मास्टर वो होते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस के हेड होते हैं। तो वो अब जो लेटर है, जो ख़त है, वो इस तरह से लिखते हैं, Dear sir, I am the headmaster of St. George's School. I would like a postbox number. Please explain to me how to get one and how it all works. Yours sincerely, M. Broadman, Headmaster. तो मिस्टर ब्रॉडमैन लिखते हैं कि मैं सेंट जॉर्ज स्कूल का हेडमास्टर हूँ और मैं पोस्ट बॉक्स नंबर लेना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी मुझे समझा दीजिए कि मैं किस तरह से पोस्ट बॉक्स नंबर हासिल कर सकता हूँ और ये किस तरह से वर्क करेगा, मीन्स इसका क्या प्रोसीजर होगा और फिर मुझे किस तरह से लेटर्स वगैरह मिला करेंगे, मुझे ये तमाम चीज़ें समझा दीजिए। अ वीक लेटर मिस्टर ब्रॉडमैन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द पोस्ट मास्टर। और एक हफ्ते के बाद, वन वीक के बाद, मिस्टर ब्रॉडमैन को एक लेटर रिसीव होता है। वो एक ख़त मौसूल करते हैं जो कि पोस्ट मास्टर ने उन्हें लिखा होता है। इट वॉज ब्रॉट टू हिम बाय मिस्टर एस जॉर्ज, हु वॉज वेरी क्रॉस इंडीड। और वो लेटर उन तक मिस्टर एस जॉर्ज लेके आते हैं जो कि उस वक़्त काफ़ी गुस्से में होते हैं। मिस्टर ब्रॉडमैन ओपन्ड द लेटर एंड रीड इट अलाउड। मिस्टर ब्रॉडमैन उस लेटर को ओपन करते हैं, खोलते हैं और उसे लाउडली रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द पेज नंबर 104। डियर मिस्टर ब्रॉडमैन, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी अबाउट पोस्ट बॉक्सेस। तो अब जो पोस्ट मास्टर हैं वो लिखते हैं मिस्टर ब्रॉडमैन को कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंक्वायरी, मीन्स मालूमात हासिल करना चाहिए पोस्ट बॉक्सेस के बारे में। यू मे सर्टेनली अप्लाई फॉर अ पोस्ट बॉक्स नंबर। आप बिल्कुल यकीनन अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट बॉक्स नंबर के लिए। व्हेन यू आर गिवन अ पोस्ट बॉक्स नंबर, योर मेल विल बी डिलीवर्ड टू दैट पोस्ट बॉक्स। तो जब आपको पोस्ट बॉक्स नंबर मिल जाएगा तो जो भी आपकी मेल होगी वो आप तक उस पोस्ट बॉक्स के ज़रिए पहुंचाई जाएगी। द पोस्टमैन विल नॉट ब्रिंग एनी लेटर्स टू योर एड्रेस। और फिर जो पोस्टमैन होगा वो कोई भी लेटर आपके एड्रेस पे लेके नहीं आएगा। यू विल हैव टू कलेक्ट योर लेटर्स एंड पार्सल्स फ्रॉम योर पोस्ट बॉक्स। आपके जो भी लेटर्स आपके लिए आएंगे, जो भी पार्सल्स आपके लिए आएंगे, वो तमाम आपको खुद से जाके पोस्ट बॉक्स से कलेक्ट करने पड़ेंगे। द बॉक्स इज लॉक्ड एंड यू विल हैव द की, सो योर मेल विल बी क्वाइट सेफ। आपका जो बॉक्स होगा वो लॉक होगा और आपके पास उसकी की होगी, मीन्स उसकी चाबी होगी, और जो भी आपके मेल होंगे वो इस तरह से महफूज रहेंगे। प्लीज़ अप्लाई फॉर अ पोस्ट बॉक्स नंबर बाय फिलिंग इन द इंक्लोज्ड फॉर्म। और इस लेटर के साथ एक फॉर्म लगा हुआ है, आप इस फॉर्म को फिल करके पोस्ट बॉक्स नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योर्स फेथफुली, पी ऑस्ट्रेलियाई पोस्ट मास्टर।
Mr. Broadman read the letter once more. Mr. Broadman ek dafa phir wo letter padhte hain. Then he read it a third time. Aur wo phir teesri dafa us letter ko padhte hain. He looked at the form that came with the letter. Aur uske baad wo gaur se us form ko dekhte hain jo ki us letter ke saath unhe mila hota hai. He sighed loudly and sat down to fill it in. Aur wo ek badi si aah bharte hain. और फिर उस फॉर्म को फिल करने के लिए बैठ जाते हैं. अ वीक, टू वीक्स, थ्री वीक्स वेंट बाय, बट मिस्टर ब्रॉइटमैन हैड नो रिप्लाई फ्रॉम द पोस्टमास्टर. एक, दो, तीन वीक्स गुजर गए, तीन हफ्ते गुजर गए, लेकिन मिस्टर ब्रॉइटमैन के पास पोस्टमास्टर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता. सो मिस्टर ब्रॉइटमैन रोट अनदर लेटर टू द पोस्टमास्टर. तो मिस्टर ब्रॉडमैन दोबारा से एक ख़त लिखते हैं पोस्टमास्टर को. इन इट ही सैड ही वॉज वेरी एंग्री, जिसमें वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द पेज नंबर 105. ही वेटेड फॉर अ रिप्लाई बट इट नेवर केम. वो रिप्लाई का, वो जवाब का इंतज़ार करते हैं लेकिन वो आता ही नहीं है. आई एम फैट अप विद द PM एंड द PO. Said Mr. Broadman to his wife one day. तो एक दिन मिस्टर ब्रॉडमैन अपनी वाइफ से बोलते हैं कि मैं तंग आ गया हूँ इस PM means postmaster से and PO means post office से. I am also fed up with getting mail for all those Georges. और मिस्टर ब्रॉडमैन कहते हैं कि मैं इन तमाम जॉर्जेस की मेल हासिल करने से भी तंग आ गया हूँ. Mails mean मुझे जो भी इन जॉर्जेस के लेटर्स मिलते रहते हैं, पार्सल्स मिलते रहते हैं, मैं इनसे तंग आ चुका हूँ. वाई डोंट यू फोन द पोस्ट मास्टर, सेड हिज वाइफ. तो मिस्टर ब्रॉडमैन की वाइफ उनसे कहती हैं कि आप पोस्ट मास्टर को कॉल क्यों नहीं कर लेते. दैट्स अ गुड आइडिया, सेड मिस्टर ब्रॉडमैन. मिस्टर ब्रॉडमैन कहते हैं कि हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है. आई विल कॉल हिम इन द मॉर्निंग, आई विल टेल हिम हाउ क्रॉस आई एम. मैं उन्हें सुबह कॉल करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मैं कितने गुस्से में हूँ. दैट नाइट मिस्टर ब्रॉडमैन डिड नॉट स्लीप वेल. और उस रात मिस्टर ब्रॉडमैन सही तरह से सो भी नहीं सके. ही वॉज थिंकिंग अबाउट वॉट ही वॉज गोइंग टू से टू द पोस्ट मास्टर. और वो सोचते रहे कि वो पोस्ट मास्टर से क्या कहेंगे. इन द मॉर्निंग मिस्टर ब्रॉडमैन वेंट टू द स्कूल. और सुबह मिस्टर ब्रॉडमैन स्कूल जाते हैं. He waited until 10 o'clock before picking up the telephone to make the call. उन्होंने 10 o'clock तक इंतज़ार किया, वेट किया टेलीफोन उठा के कॉल मिलाने के लिए. Hello, said Mr. Broadman. Is that the postmaster? Mr. Broadman कहते हैं, हेलो, क्या मैं postmaster से बात कर रहा हूँ? Yes, said a voice at the other end of the line. लाइन के दूसरी तरफ से मिस्टर ब्रॉडमैन को आवाज़ आती है, मीन्स कि उन्हें जवाब आता है कि यस, जी बिल्कुल, आप पोस्टमास्टर से बात कर रहे हैं. आई एम मिस्टर ब्रॉडमैन, सेड मिस्टर ब्रॉडमैन. मिस्टर ब्रॉडमैन कहते हैं कि मैं मिस्टर ब्रॉडमैन बात कर रहा हूँ. आई रोट टू यू मोर देन अ मंथ अगो फॉर अ पोस्ट बॉक्स नंबर. मैंने आपको एक महीने पहले, एक मंथ पहले पोस्ट बॉक्स नंबर के लिए ख़त लिखा था. बट यू स्टिल हैवंट डन एनीथिंग अबाउट इट. This is really too. लेकिन अभी तक आपने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, ये बहुत ही ज़्यादा. Mr. Broadman was going to tell the postmaster. और वो इससे आगे postmaster से बोलने ही वाले होते हैं कि ओके बेटा, so now come to the page number 106. A thing or two, but the postmaster interrupted him. तो जो मिस्टर ब्रॉडमैन है वो इससे आगे अपनी एक दो बातें करने ही वाले होते हैं कि पोस्टमास्टर उन्हें बीच में ही इंटरप्ट कर देते हैं, उन्हें रोक देते हैं, उनकी बात काट देते हैं. मिस्टर ब्रॉडमैन सेड द पोस्टमास्टर. पोस्टमास्टर कहते हैं कि मिस्टर ब्रॉडमैन, वी गेव यू अ पोस्ट बॉक्स नंबर 3 weeks अगो. हमने तो आपको 3 हफ्ते पहले ही पोस्ट बॉक्स नंबर दे दिया है. वी सेंट यू अ लेटर एंड ऑल्सो सेंट यू द की. हमने आपको लेटर भी भेज दिया है और हम आपको की भी भेज चुके हैं. वेल, आई हैव नॉट रिसीव्ड इट, सेड मिस्टर ब्रॉडमैन एंग्रीली. वेयर ऑन अर्थ डिड यू सेंड इट. लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं मिली,
गुस्से से मिस्टर ब्रॉडमैन बोलते हैं और वो महावरतन तंजिया तौर पे पोस्टमास्टर को बोलते हैं कि आखिर आपने ज़मीन के किस कोने में किस हिस्से में उसको भेज दिया कि 3 weeks हो गए अभी तक वो मुझे मिली ही नहीं। वी सेंट इट टू योर पोस्ट बॉक्स नंबर, सेड द पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर कहते हैं कि हमने तो उसे आपके पोस्ट बॉक्स नंबर पर भेजा है। वेल मैन, हाउ कैन आई गेट इन टू द पोस्ट बॉक्स विदाउट अ की, शाउटेड मिस्टर ब्रॉडमैन। सो मिस्टर ब्रॉडमैन चीखते हुए बोलते हैं, तेज़ आवाज़ में बोलते हैं कि जब मेरे पास की ही नहीं है, जब मेरे पास चाबी ही नहीं है, तो मैं पोस्ट बॉक्स से अपनी चीज़ें किस तरह से हासिल कर सकता हूँ। देयर वॉज नो आंसर टू दैट, और पोस्ट मास्टर के पास उनकी बात का जवाब नहीं होता। बट मिस्टर ब्रॉडमैन डिड गेट अनदर की अ फ्यू डेज लेटर। लेकिन कुछ दिन के बाद ही मिस्टर ब्रॉडमैन एक दूसरी चाबी, एक दूसरी की हासिल कर लेते हैं। एंड नाउ हिज मेल डज नॉट गो टू ऑल द अदर जॉर्जेस ऑन सेंट जॉर्ज्स क्रेसेंट। और अब मिस्टर ब्रॉडमैन की जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेल हैं, जो भी पार्सल हैं, लेटर्स हैं, वो किसी और जॉर्ज के पास नहीं जाते और वो डायरेक्टली उनके पास उनके पोस्ट बॉक्स में आते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कम्प्लीटेड द रीडिंग ऑफ आवर चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, अब हमने अपने चैप्टर की रीडिंग कम्प्लीट कर ली है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट अ स्टोरी ऑफ मिस्टर ब्रॉडमैन। इस चैप्टर में हमने मिस्टर ब्रॉडमैन की स्टोरी पढ़ी। And we learnt about post box number. और हमने post box number के बारे में पढ़ा। So I hope you enjoyed the story. तो मुझे उम्मीद है आपने इस story को बहुत enjoy किया होगा। And you have to read this chapter again and again. So आपको इस chapter की बार बार reading करनी है। So take care of yourself, my students. Stay at home and stay safe. Allah Hafiz.